दिए हो, कॉपी चेक करेंगे। दे हो बेटा तुम्हारी कॉपी है, यहाँ आ जाओ। जिसकी कॉपी है वह ध्यान से, और बाकी लोग भी इसको ध्यान से देखेंगे कि कहाँ गलती है। ठीक, तो अब इसको देखो। एक बार सही अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए मैंने बोला था, ठीक है। फिर पूर्ण विराम, इतना सही है। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर एक ही में रहेगा, ठीक बेटा। अपना कार्य कर रहे थे, वेरी गुड। एक छात्र चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम गणित के प्रश्नों में ना अंक की बिंदी भी रहती है, ठीक हो, क्यों हल नहीं कर रहे हो? ठीक, छात्र ने कहा, मैं पे भी बिंदी रहेगी, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है, वेरी गुड। शिक्षक ने पूछा, कहाँ? तो कहाँ नहीं, ये तो कहाँ हो गया ना, कहाँ चंद्रमा बिंदी रहती क्या? ध्यान से देखो, दोबारा यह मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अभी ध्यान से सुन लो, देख लो। छात्र, मस्तिष्क तुम्हारा गलत है बेटा, ठीक है। मस्तिष्क में म, फिर छोटा सा और काफी छोटी की मात्रा, फिर एक षटकोण वाला स, फिर क, मस्तिष्क दिखा, मस्तिष्क। सब लोग देख लो, मुझे पता है सबने गलत लिखा है। सबका सही है मस्तिष्क? नहीं ना, देख लो कैसे लिखते हैं। मस्तिष्क में शिक्षक आश्चर्यचकित तुम्हारा सही है बेटा, आश्चर्यचकित सही है, ठीक है। अच्छा तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर शिक्षक द्वारा, द्वारा नहीं बेटा, द्वारा, देखो द्वारा दो तरह से लिख सकते हो। द लिख के इसके नीचे ऐसे हलम दे दोगे, व लिखोगे, व पे आखिरी मात्रा र, द्वारा हो गया। और एक ऐसे भी लिखते हैं, द में नीचे छोटा आधा हुआ, द्वारा, दो तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेना, द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों बिंदी को मौखिक में छोटी की मात्रा खापे, ठीक है, रूप से ही हल कर दिया, अद्भुत, ठीक है। रहेगा प्रतिभा, प्रतिभा छोटी रहेगी, ठीक है बेटा। का धनी यह बालक कौन था? गंगाधर तिलक, सही, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब जो मिस्टेक हुई है उसको तो ध्यान से देखोगे कि मिस्टेक हमारी कहाँ और क्यों हुई है, ठीक है।